दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किस देश में हुआ। ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भारत। सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार हमारे देश भारत में ही हुआ था। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति का तीसरा नियम किस वैज्ञानिक ने खोजा। ऑप्शन नंबर ए है कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर बी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन नंबर डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों अब। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। इन्होंने ही सर्वप्रथम गति के तीसरे नियम की खोज की थी। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। ऑप्शन नंबर ए है 1971, ऑप्शन नंबर बी सन 1975, ऑप्शन नंबर सी 1972, ऑप्शन नंबर डी सन 1970। तो दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सन 1971। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सन 1971 में लागू की गई थी। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैपटॉप का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है जेएल वेयर्ड, ऑप्शन नंबर बी एडम ऑसबोर्न, ऑप्शन नंबर सी एडिसन, ऑप्शन नंबर डी ग्राहम बेल। तो दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है अब। आप हमें आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एडम ऑसबोर्न। सर्वप्रथम लैपटॉप का आविष्कार सर एडम ऑसबोर्न ने किया था। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है निकोला टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी थॉमस एडिसन, ऑप्शन नंबर सी ब्रैथवेट, ऑप्शन नंबर डी राइट ब्रदर्स। तो दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है अब। आप हमें तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ब्रैथवेट। सर्वप्रथम हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रैथवेट नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है रतौंधी, ऑप्शन नंबर बी रिकेटस, ऑप्शन नंबर सी बेरी बेरी, ऑप्शन नंबर डी स्कर्वी। तो दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है अब। आप हमें आंसर कमेंट भी कर दें। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रिकेट्स। विटामिन के की कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है मार्टिन कूपर, ऑप्शन नंबर बी शॉल्स, ऑप्शन नंबर सी मार्कोनी, ऑप्शन नंबर डी निकोला टेस्ला। तो दोस्तों, आपको यदि इसका आंसर आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका आंसर हो जाएगा शॉल्स। सॉल्स नाम के वैज्ञानिक ने ही सर्वप्रथम टाइपराइटर का आविष्कार किया था। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रंथ की रचना वेद व्यास ने की थी। ऑप्शन नंबर ए है शिव पुराण, ऑप्शन नंबर बी महाभारत, ऑप्शन नंबर सी श्रीमद् भागवत, ऑप्शन नंबर डी रामायण। तो दोस्तों,
आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाभारत। वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना की थी जो कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए HNO3 अम्ल, ऑप्शन नंबर बी H2SO4 अम्ल, ऑप्शन नंबर सी KNO3 अम्ल, ऑप्शन नंबर डी HCl अम्ल। तो दोस्तों आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा HNO3 अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3 अम्ल है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को